Hello student, in the next video we will learn about the number 0. सबसे इससे पहले वीडियो में हमने numbers from 1 to 10 पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम number 0 के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो मफिन्स. रिहाना लाइक मफिन्स. देयर आर टू मफिन्स. रिहाना को मफिन्स बहुत पसंद है. मफिन्स मीन्स केक, मिनी केक. रिहाना इज ईटिंग द मफिन्स. रिहाना मफिन खा रही है. रिहाना के पास यहाँ पर दो मफिन्स थे. रिहाना हैज ईटन ऑल द मफिन्स. रिहाना ने सबसे पहले एक मफिन खाया, उसके बाद उसने दोनों मफिन्स खा लिए, यानी कि अब उसके पास कोई भी मफिन नहीं बचा है. सो हाउ मैनी मफिन्स डिड रिहाना ईट. रिहाना ने कितने मफिन्स खाए? दो मफिन्स. तो यहाँ पर टू मफिन्स, तो टू लिख देंगे. ओके, हाउ मैनी मफिन्स आर लेफ्ट. कितने मफिन्स बचे? यहाँ पर हम देखेंगे प्लेट में एक भी मफिन नहीं है, यानी कि जीरो. सो इसका मतलब यही चीज है कि जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि टू टॉफी है, टू टॉफी में से टॉफीज में से हमने दोनों टॉफीज खा ली. सो हमारे पास कितनी टॉफीज बची? जीरो. सेम एज रिहाना को मफिन्स बहुत पसंद है और उसने उसके पास दो मफिन्स थे, उसने दोनों मफिन खा लिए, तो उसके पास कितने मफिन बचे? जीरो. सो जीरो मफिन्स आर लेफ्ट, यानी उसके पास एक भी मफिन्स नहीं बचे हुए हैं. लेट्स प्रैक्टिस जीरो. जीरो कैसे बनता है? इस तरह जीरो होता है इन द शेप ऑफ लाइक एग. इस तरीके से जीरो को हम बना सकते हैं. जीरो की स्पेलिंग या फिर जीरो वर्ड में कैसे लिखेंगे? जेड ई आर ओ, जीरो. जेड ई आर ओ, जीरो. ओके, निकिता हैड फोर एप्पल्स. हर ब्रदर एट ऑल द एप्पल्स. हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट. निकिता के पास चार एप्पल्स थे, उसके भाई ने सारे एप्पल्स खा लिए, तो उसके पास कितने एप्पल्स बचेंगे? उसके पास जीरो एप्पल्स बचेंगे. सो यहाँ पर हम फिल कर देंगे जीरो, क्योंकि फोर एप्पल्स थे और सारे एप्पल्स खा लिए, फोर के फोर, तो उसके पास कितने एप्पल्स बचेंगे? फोर एप्पल्स. एक्सरसाइज में सर्कल द पिक्चर विद जीरो फ्लावर्स. उस पिक्चर को सर्कल करना है जिसमें जीरो फ्लावर्स, यानी एक भी फ्लावर्स नहीं है. सो इसमें तो इस पिक्चर में तो थ्री फ्लावर्स हैं, बट इस पिक्चर में एक भी फ्लावर नहीं है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट, सर्कल द पिक्चर विद जीरो मफिन्स. उस पिक्चर को सर्कल करना है जिसमें जीरो मफिन्स हैं, मतलब एक भी मफिन नहीं है. सो फर्स्ट वाले प्लेट में तो टू मफिन्स हैं, बट नेक्स्ट प्लेट में एक भी मफिन नहीं है, सो इसको हम सर्कल कर देंगे. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिल द मिसिंग नंबर्स. मतलब यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है या ड्राइंग दे रखी है, उसमें हमें कुछ नंबर मिसिंग है, उनको फिल करना है. और नंबर्स जो हमने अभी 1 to 10 पढ़े हैं, वही नंबर्स हमें इसमें फिल करने हैं. सो 1 के बाद आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो टोटल एक बार फिर से पढ़ लेंगे इसको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये टोटल नंबर्स हो गए फ्रॉम 1 to 10. मैच ईच नंबर्स नेम, नंबर नेम टू द करेक्ट नंबर. हमें मैच करना है इसमें, मैचिंग करनी है. सो सबसे पहले 5 5 6 6 6 10 10 10 7 7 1 1. सो ये हो गए नंबर्स, मैच ईच नंबर्स, नंबर्स की मैचिंग कर दी हमने. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड मतलब स्टार्टिंग से, फ्रॉम 0 to 10. बैकवर्ड मतलब फ्रॉम 10 टू
0. We count forward as. Count कैसे, forward counting कैसे करते हैं? 0 से start करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Backward counting कैसे करेंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, ये हो गया backward counting और ऊपर वाला forward counting from starting from 0 to 10. Next one is number line. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम number line draw करते हैं, उसके ऊपर numbers को draw करते हैं. Our number line has numbers on it. Number lines पर numbers होते हैं, जैसे कि इसमें दे रखे हैं from 0 to 7. The numbers are at the same space. Numbers के बीच में जो space होता है वो same होता है. Numbers line from starting from left to right. Increasing number में लिखा है ये. From 0 to 7 लिखा है. 0 to 10 होगा. 10 भी हो सकता है. कितने भी numbers हो सकते हैं. Number decrease कैसे होते हैं? Increasing number line हम start करते हैं. Left to right. But जो number decreasing line बनाते हैं उसको हम कैसे start करते हैं? Left to right. So ये वाली जो number line है ये starting from left to right है, इसलिए से हम numbers increase बोलेंगे. और जो number line from start from left to right उसको हम कहेंगे numbers decrease. जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि numbers increase from left to right, number decrease from right to left. Look at Jumpy, the frog. It keeps jumping on the numbers line. ये Jumpy है जो numbers line पर jump कर रहा है. Let us read the number with him. हम इसकी help से numbers पढ़ेंगे. So जंपी कहाँ से स्टार्ट करना है, रन करना या जंप करना? फ्रॉम जीरो. सो जंपी जो है सबसे पहले जीरो से स्टार्ट किया, वन पर. वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, एट टू नाइन, नाइन टू टेन. सो जंपी ने स्टार्ट किया था फ्रॉम जीरो टू वन, वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर, फोर टू फाइव, फाइव टू सिक्स, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, एट टू नाइन, नाइन टू टेन. यानी कि जो जंपी है वो ओनली वन स्टेप जंप कर रहा है. ओके, यहाँ पर वन वन स्टेप वो जंप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एक एक स्टेप बनाए हैं और सबके बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो सेम है इसमें. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिटवीन मतलब बीच में. जंपी इज सिटिंग ऑन सेवन. यहाँ पर नंबर लाइन दे रखी है जिसमें थ्री नंबर्स लिखे हैं, सिक्स सेवन एट. सिक्स नंबर जो है वो सेवन से पहले है यानी बिफोर है, और एट नंबर जो है वो सेवन के बाद है यानी आफ्टर है. बट जो सेवन है, सेवन नंबर है, वो सिक्स एंड सेवन के बिटवीन में यानी कि बीच में है. सो जंपी जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? जंपी बैठा हुआ है सेवन पे. सो सिक्स इज बिफोर सेवन. सिक्स नंबर जो है सेवन के बिफोर है यानी पहले है. सेवन इज बिटवीन, सेवन इज बिटवीन सिक्स एंड एट. सेवन जो है वो सिक्स एंड एट के बीच में है. एंड एट इज आफ्टर सेवन, और जो एट नंबर है वो सेवन के बाद में है.